हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम। सो जैसा कि हमने पहले ई पेमेंट सिस्टम देखा था, ऐसे ही एक टॉपिक है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ई पेमेंट सिस्टम्स, बट एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट जो डिजी कैश होता है, देन वी हैव डिफरेंट अदर मेथड्स लाइक ई कैश, स्मार्ट कार्ड, साइबर कैश, इन सबको भी एक बार दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो वी हैव पेपाल, इनमें से कुछ के बारे में आपने पहले पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और शायद यूज़ भी किया होगा। पेपाल है, देन वी हैव टू चेकआउट। टू चेकआउट को टू CO भी बोलते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड पे, मनी बुकर्स, एंड फाइनली वी हैव ई गोल्ड। सो पेपाल रिसेंटली इंडिया के अंदर भी लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी अब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर शॉपिंग यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए पेपाल का यूज़ किया जाता है। सो पेपाल सबसे बड़ा, इट इज़ अ लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क विच इज़ यूज्ड, लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क है पेपाल। ठीक है, सो इन सब में बेसिकली हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी। सो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अकाउंट विद ईमेल आईडी और उसी अकाउंट से आप मनी को एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, सो इसकी देखो नॉर्मली वर्किंग कैसे होती है। अगर हम पेपाल की ही बात करते हैं, सपोज़ एक यूज़र है ए, इसका एक पेपाल अकाउंट है P1। एक यूज़र है बी, जिसका पेपाल अकाउंट है P2। अब ए को पैसा भेजना है बी के पास। सो इन स्पाइट ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी डायरेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, कि जिसमें हम एक अकाउंट के बैंक से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, दूसरे बैंक के अकाउंट में भेजते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ए मनी को ट्रांसफ़र करता है अपने पेपाल में, या वाया हिज पेपाल ही ट्रांसफर्स द मनी टू द सेकेंड पेपाल अकाउंट जो कि बी का है, और यहाँ से पैसा चला जाता है बी के पास। सो इसमें क्या होता है कि ये जो पेपाल अकाउंट्स हैं, दे कैन स्टोर द मनी ऑल्सो। आप अपने पेपाल अकाउंट में कुछ पैसे को रख भी सकते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो, उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो ये पांच मेजर प्लेयर्स हैं जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक्स, जैसे कि डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी क्या है? कोई भी ई करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, जिसका आदान प्रदान होता है या फिर एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, सो इंटरनेट के ऊपर ही हम इसको एक्सचेंज करते हैं। अब एक्चुअल करेंसी नहीं है डिजिटल करेंसी, बट आप इसको रिडीम कर सकते हो इन एक्चुअल और रियल करेंसी। सो देखो इसमें देखो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप इससे क्या क्या कर सकते हो। आप पैसा भेजना और रिसीव करना एक सेकेंड में होता है, इंस्टेंटली होता है अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड। सो यू कैन ईजिली सेंड एंड रिसीव मनी, सेंड रिसीव मनी इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड डिजिटल करेंसी में। ठीक है, देन यू कैन कलेक्ट रियल टाइम पेमेंट्स फ्रॉम फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हो इससे पैसा लेके। देन यू कैन एक्सचेंज डॉलर्स और गोल्ड एंड वाइस वर्सा। सो डिजिटल करेंसी का एक छोटा सा मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया है कुछ, जैसे कि अगर ये एक रिटेलर है हमारे पास और ये बैंक है, देन वी हैव मैन्युफैक्चरर, दिस इज वन POS वेबसाइट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल भी बोल सकते हो, POS वेबसाइट है, कस्टमर है या कंज्यूमर बोल सकते हैं इसे, एंड ये है जो वेरिफिकेशन करता है। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन हब।
जो पेमेंट को वेरीफाई करता है, ठीक है, एंड फाइनली द शिपिंग प्रोसेस। सो देखो काम कैसे हो रहा है बेसिकली इसमें, या फ्लो कैसे होता है इसमें। सो द रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करेगा, रिटेलर मैन्युफैक्चरर को पैसा ट्रांसफ़र करेगा, एंड द मैन्युफैक्चरर विल रिटर्न बैक द मनी, सॉरी द गुड्स। रिटेलर से वो शिपिंग के लिए जा सकते हैं, देन पॉइंट ऑफ सेल वेबसाइट के ऊपर, फाइनली शिपिंग से कस्टमर तक या कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद कंज्यूमर डायरेक्ट रिटेलर से प्रोडक्ट ले सकता है। सो इस तरह से पूरा ये डिजिटल करेंसी का एक फ्लो डायग्राम बनाया है। देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई सेल हुई पॉइंट ऑफ सेल वेब के थ्रू, कोई सेल हुई यहाँ पे, तो जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफिकेशन हब के पास जाएगी, वो इस बैंक से वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ वेरीफाइड है, अगर सब कुछ वेरीफाइड है तो रिटेलर के पास चला गया, रिटेलर से वो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, अगेन बैंक से लिंक है क्योंकि जो पेमेंट है वो अल्टीमेटली किसके पास नहीं है, रिटेलर के पास। रिटेलर उसको मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट वापस करेगा और फाइनली वो शिपिंग होके कंज्यूमर को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो जितनी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हर पॉइंट पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है इधर, वो सब डिजिटल करेंसी की फॉर्म में होती है। मतलब हार्ड मनी या रियल कैश से ना करके हम किसी डिजिटल करेंसी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसीज यूज्ड। तो सबसे पहले देखते हैं डिजी कैश, जिसको ई कैश भी बोलते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं ई कैश के बारे में। अब देखते हैं डिजी कैश कैसे काम करता है। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय डॉक्टर डेविड चॉम। सो डेविड चॉम ने इसको डेवलप किया था, और डेविड चॉम को हम फादर या इन्वेंटर ऑफ डिजिटल कैश भी बोलते हैं। सो ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिजिटल कैश। अभी जो डिजिटल कैश का सिस्टम है ये डिजिटल टोकन्स के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कॉइन्स। बेसिकली देखो ये जो डिजिटल कॉइन्स होते हैं, दे आर द साइंड कॉइन्स फ्रॉम बैंक, साइंड कॉइन्स फ्रॉम बैंक, कि जो बैंक होगा जो इशू करेगा वो इनको साइन करता है, ठीक है। सो देखो होता कैसे है बेसिकली, अगर मैं आपको एक सिंपल सा ऑपरेशनल प्रोसेस बताऊँ इसका, डिजिटल कैश कैसे काम करता है, तो एक बैंक है और ये जो बैंक है ये डिजिटल कैश को या डिजिटल कॉइन्स को इशू करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द बैंक इशू साइंड डिजिटल कॉइन्स। अब बैंक ने कुछ डिजिटल कॉइन्स इशू कर दिए एक पर्सन को या एक कस्टमर को जिसका नाम है कस्टमर ए। सो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल। सो इस कस्टमर को कुछ डिजिटल कॉइन्स इशू कर दिए। सो इशू डिजिटल कॉइन बोल सकते हैं या फिर डिजिटल कैश बोल सकते हैं टू ए। तो अब ए के पास कुछ डिजिटल कैश आ गया, फॉर एग्जांपल इसके पास 1000 रुपीज़ के अराउंड का डिजिटल कैश आ गया। अब ए को कुछ पैसा खरीदना है, कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कुछ सामान खरीदना है, किससे खरीदना है, कस्टमर बी से। तो ये क्या करेगा, ये कुछ डिजिटल कैश अपने अकाउंट से ए बी को ट्रांसफ़र करेगा। सो ट्रांसफर डिजिटल कैश टू बी। तो फॉर एग्जांपल इसने 500 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, 500 डिजिटल कैश ट्रांसफ़र किया था, तो बी के पास 500 डिजिटल कैश आ गया, या फिर 500 के बराबर के डिजिटल कॉइन्स आ गए। अब बी के पास एक्चुअल मनी नहीं आई है, बी के पास एक डिजिटल फॉर्म में मनी आई है, तो बी क्या करेगा, इस बैंक के पास जिससे ये इशू हुए तो उससे कहेगा कि मुझे पैसा दो, ये पेमेंट की डिमांड करेगा। सो इट आस्क फॉर द पेमेंट, ठीक है।
अभी यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद होता क्या है कि जो बैंक है वो इसको चेक करेगा कि ये जो इसने कॉइन्स भेजे मेरे पास, क्या वो रियल कॉइन्स है, क्या वो ऑथेंटिक कॉइन्स हैं। और ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करेगा, क्योंकि बैंक ने उन कॉइन्स को साइन किया है। अगर बैंक ये चेक कर लेता कि ठीक है ये सही कॉइन्स हैं जो मैंने ही साइन किए थे, तो बैंक कस्टमर बी को रियल मनी ट्रांसफ़र कर देगा। सो ट्रांसफर्स रियल मनी आफ्टर ऑथेंटिकेशन। सो इस तरह से ये पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस है डिजिटल कैश का। सो दिस इज़ डिजी कैश, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कैश, या फिर डिजिटल कॉइन्स भी इसको हम बोलते हैं। ना तो नेक्स्ट इज़ ई कैश। इसके बारे में तो हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम विच अलाउज द फंड्स टू बी ट्रांसफर्ड एंड आइटम्स टू बी परचेज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स, चेक और बाय मनी ऑर्डर, प्रोवाइडिंग सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। अब ई कैश बेसिकली दो टाइप से स्टोर होता है। ऑनलाइन आप ई कैश को स्टोर कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप करोगे तो आपको वॉलेट का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ऑफलाइन स्टोर करते हो ई कैश को तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी या डेबिट कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली ई कैश का जो यूज़ है वो किस तरह से होता है कि हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम अपने वॉलेट से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं मर्चेंट के पास। देन मर्चेंट उस पेमेंट को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करता है और आपके प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा देता है। सो ई कैश के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले इसको काफ़ी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस वाले वीडियो से भी इसको दोबारा से देख सकते हो। नाउ वी हैव साइबर कैश। नाउ इट इज़ अ सिस्टम डेट अलाउज कस्टमर टू पे बाय क्रेडिट कार्ड विदाउट रिवीलिंग द क्रेडिट कार्ड नंबर टू द मर्चेंट। अब पेमेंट तो क्रेडिट कार्ड से ही हो रही है, बट जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो मर्चेंट के पास नहीं पता है। तो ये होगा कैसे? तो यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज मर्चेंट है। अब इसने कस्टमर ने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर भेजा, क्रेडिट कार्ड का नंबर भेजा कि भाई आप इस क्रेडिट कार्ड के नंबर से पेमेंट कर लो। अब डायरेक्टली नहीं जाता, बीच में कुछ होता है। यहाँ पे बीच में एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस नंबर को इनक्रिप्ट कर देता है। सो द इनक्रिप्टेड नंबर इज सेंड। ठीक है, सो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस क्रेडिट कार्ड के नंबर को इनक्रिप्ट कर देता है। सो बेसिकली अब देखो इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का। सो एक की से आपका इंक्रिप्शन होता है और दूसरी की से डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, सो अब देखो अगर पूरा मैं देखूँ कि होता कैसे है, तो कस्टमर क्या करता है कि एक इनक्रिप्टेड डेटा भेजता है मर्चेंट के पास। इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें प्रोडक्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नाम, कितना प्राइस है, वो सब जाता है अलॉन्ग विथ पेमेंट डिटेल्स। सो इसमें पेमेंट डिटेल्स ज़रूर होती हैं। ठीक है, अब मर्चेंट को ये सब मिला, मर्चेंट को ये सब मिला, मर्चेंट इसमें से जो इन्फॉर्मेशन पेमेंट से हटके है उसको तो डिक्रिप्ट कर लेता है। सो द मर्चेंट डिक्रिप्ट्स प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो द मर्चेंट डिक्रिप्ट्स प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड देन ऐड इट्स ओन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ऐड इट्स ओन पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू साइबर कैश गेटवे। सो यहाँ पे होता है एक साइबर कैश गेटवे जो बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है पेमेंट डिटेल्स को, डिक्रिप्ट करता है। अब ये क्या करेगा साइबर कैश गेटवे, ये डिक्रिप्ट करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को, डिक्रिप्ट करेगा, और जो कस्टमर का क्रेडिट कार्ड था उससे पैसा ट्रांसफर कर देगा मर्चेंट के अकाउंट के अंदर। सो द मर्चेंट विल रिसीव द नोटिफिकेशन कि उसका बैंक
के अंदर पैसा चला गया, उसके अकाउंट में पैसा आ गया, वो इसको प्रोडक्ट दे देगा। तो ये होता है साइबर कैश। लास्ट इज स्मार्ट कार्ड्स। अगेन ये वाला टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा अभी मैं। इनको हम स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स भी बोलते हैं। अब ये नॉर्मल कार्ड से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसके डिफरेंट एडवांटेजेस सिंपल हो सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिनको हम जनरली एटीएम कार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये सब स्मार्ट कार्ड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इसमें हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा, डिजिटल करेंसी के बारे में देखा, डिजी कैश देखा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।